मेरी आदतें बिल्कुल बिगाड़ दी हैं आपने। अब मैं क्या अपने लिए पानी भी खुद नहीं डाल सकती? जब दूसरे घर जाओगी ना फिर याद आएगी हमारी। दूसरा घर? बैठे तो सही। नहीं भाई, मैंने तो जाना है, कल की तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब जाके फिर सो जाइएगा, मेरे इंतजार में जागती मत रहिएगा। वैसे भी मैंने सानिया को फोन करना है, रास्ते में थी ना तो फोन आया था उसका। तो उसके मतलब उनके हस्बैंड कोई मुहिम पे होंगे। लगता तो ऐसे ही। I'm so sorry. लेकिन क्या करें, जॉब ही ऐसी है। लेकिन तो फिक्र मत करो, रिटायरमेंट हो जाने दो, फिर मैं आऊंगा, तुम होगी, और वक्त ही वक्त। जी हाँ, आप तो अपनी कमर पकड़े हुए खांस रहे होंगे और मैं अपने घुटने की मालिश कर रही होंगी जैतून के तेल से। रिश्ते तो आ रहे हैं उसके, लेकिन पता नहीं उसे क्या है, जो रिश्ता आता है कुछ ना कुछ कहकर इनकार कर देती है। पता नहीं उसकी क्या मर्जी है। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए और नौकरी तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, सर पे चढ़ जाती है। हमारा कोई गलत ही नहीं है साहब, ये सो खाना खड़ी है ना, ये आपको दुबई में काम दिलाने का झांसा देकर यहाँ लाई थी। दुबई में काम करने का झांसा? मैं रिपोर्ट लिखकर जैदी साहब के पास गई तो इतना बड़ा क्रॉस लगा दिया मेरी रिपोर्ट पर और कहने लगे कि आपको रिपोर्टिंग के लिए भेजा था, अफसाना लिखने के लिए नहीं। MCS किया उसने। तुमने देखा उसे? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन मंजूर साहब कह रहे थे कि वो MCS करके इंग्लैंड चला गया था और 4 साल से वो वहीं। भाई तुम्हारा तो वो हिसाब है, बगल में बच्चा और शहर में ढंडोरा। बकौल तुम्हारे पीछे इतने दिनों से पड़े हुए, तुमने कुछ नहीं बताया हमको। हमारे मंसूर की दुल्हन तो दिखाओ। जरूर दिखाऊंगी, पहले चाय तो पीजिए, उठो बेटा चाय बना। जी भाईजान, असल में हमारा बेगम को अरफा बेटी को देखने का बहुत शौक था, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ठीक है, वरना नहीं, 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 मैं जा रही हूँ। कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? सैदी साहब ने कहा है कि आप कोई और काम देख ले। क्या ये सैदी साहब ने कहा? क्या बात कर रही हूँ, उन्होंने भी यही कहा है ना कि कितना अरसा आप साथ साहब के कलम के सहारे चलेंगे। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, मैं बैठ गया। डोंट लूज योर होप, बैठो। कुछ ठीक नहीं होगा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है साथ, वरना आज मामा डैडी दादा अपा रिदा फवाद किसी को ना खोती मैं। काश उस जलजले में मैं भी मर जाती। आज मैंने अपनी बहुत इंसल्ट फील की है। सैदी साहब को सीरियस, देखो मेरी बात सुनो। ऐसा जी बात इंशाल्लाह बात करूंगा, खुदा हाफिज़। अल्लाह। हाँ भाई वकार मियां, ये मजदूर साहब आए थे अपने बेटी की तस्वीर लेकर, उस बारे में तुम्हारी क्या राय, क्या ख्याल? वो पहली बात तो ये कि लड़का यहाँ मौजूद नहीं है और बगैर देखे जिंदगी के फैसले तुम्हें किए जा सकते हैं। मेरा बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, असल में और तस्वीर में बहुत फर्क होता है। हाँ हो सकता है कि उस लड़के में कोई जिस्मानी नुक्स हो। बिल्कुल हो सकता है, और इसी वजह से वो लोग टेलीफोन पर निकाह करना चाहते हैं। वकार, लेकिन मंजूर साहब धोखेबाज तो नहीं लगते? किसी की पेशानी में थोड़ी लिखा होता है। बेटी वकार जो कुछ कह रहा है अपनी बहन की खातिर कह रहा है, वो लोग खैर हैं,
आंखें बंद करके उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही बात है, मगर सामाजिक गलत लोग जो होते हैं वो लाख अपने आप को छुपाने की कोशिश करें, मगर किसी न किसी वक्त कभी न कभी उनकी असलियत जो है ना वो सामने आ ही जाती है। ईमान की बात है, जितनी देर वो मियाँ बीवी बैठे थे, जिसको उनसे उन्होंने बातचीत की थी, उनके तौर तरीके से, उनकी बातचीत से, मुझे तो बहुत भले लोग लग रहे थे। मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी उनकी बातचीत से जिसमें दिल में कोई खटका पैदा हो। और दूसरी बात यह कि जितनी दफा उन्होंने अरफा बेटी का नाम लिया, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से। और देखो बेटा, बच्चियों को घर ले जाने से पहले ही अगर उनके साथ इतनी मोहब्बत से और प्यार से घर ले जाते हैं ना, तो फिर वो लोग बेटियों को ना बहुत इज्जत से, मोहब्बत से रखते हैं। वो रिश्ते से पहले सब लोग चाह दिखाते, हो सकता है कि लड़का अच्छा हो, उसके घर वाले भी अच्छे हो, लेकिन बगैर देखे कोई फैसला मैं इस हक में नहीं। चलो ये बात मान ली, दूसरी क्या बात है? दूसरी बात अबू के तहजीब का फर्क है, एक नए माहौल और बिल्कुल नई तहजीब में एडजस्ट होने में ना सिर्फ अरफा को बल्कि हम सबको मुश्किलात हो सकती हैं। फिर गौर से बखैर बेटा, जमाना बहुत बदल गया है, वक्त के साथ तब्दीलियां आती हैं। आज के दौर में रिश्ते कायम करने के लिए रंग, नस्ल, जबान, तहजीब, इन सब चीज़ें जो है बेमानी हो गई हैं। लोग इनको सिरे से नज़रअंदाज कर देते हैं। अहम चीज़ क्या है कि लोग शरीफ होने चाहिए, नेक होने चाहिए और पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता होने चाहिए। देखो, अगर मंजूर साहब के ख़ानदान से हमारा रिश्ता कायम होता है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि शादी हो जाने के बाद अरफा यहाँ तो रहेगी नहीं, बच्चा बाहर ले जाएगा, बाहर चली जाएगी। अब मैं अपनी राय दे चुका हूँ, बाकी आप लोग जैसा बेहतर समझे। नहीं नहीं, तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मेरे ख्याल में फिलहाल हम ये करते हैं कि उनको ये जवाब देते हैं कि मजीद इस सिलसिले में बात जो है वो लड़के के आने पर होगी। ये ठीक है, ये ठीक है। अबू तो उनसे ये बात कहेगा कौन? अरे बेटा मैं कह देता, मैं फोन करके बता दूंगा उसमें क्या है। और हाँ, अफजा की किसी जानने वाले ने डॉक्टर का रिश्ता बताया, उसे भी बुलाते, लगे हाथों से भी देख लेते। अबू आप चाय पियेंगे? हाँ बेटा। ये ले, जौन जौन सी चीजें तूने मंगाई थी सारी ले आया, बस राय भूल गया। राय तो बहुत जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्या तूने राय का भाड़ बनाना है? पगल बहू का, हमको क्या पड़ी है राय का पोहाड़ बनाने का? नहीं, बाजे लोगों को शौक होता है ना, मैं बोला तेरे को भी शौक हो। खैर आगे चल, राय क्यों जरूरी है भाई? हमको अम्मा के लिए राय का हलवा बनाना है। हलवे में राय कौन डालता है? हम डाले है। तेरी शकल से लग रहा है मेरे को कि तू हलवे में राई डालती होगी। अरे मेवा पड़ता है मेवा। नमकीन हलवा, नमकीन हम अम्मा के लिए बनाया है दो दिन पहले, आज फिर अम्मा की फरमाइश पर हम दोबारा बनाएगा। हाँ हाँ, फिर तो बहुत जरूरी है भाई, मैं अभी लाया राई। ओए नौसर, आज तुम हमका एक बात बताओ। हाँ बोल। हमका तुम्हारा किस्मत यहाँ गया, तुम किस सौकर में है यहाँ पर? मेरी भी किस्मत मेरे को यहाँ ले आई है। सुनाऊंगा तेरे को अपनी दास्तान, पहले राय ले आऊं भाई। जी ऐसा है अफजा बीबी, हमारी एक बेटी नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ रहती है,
वही आपके घर आएगी किसी दिन जी। असल में हमारे बेटे को अपनी इस बहन की पसंद पर बहुत भरोसा है जी। आपकी बहन अगर हमारी बेटी को पसंद आ गई तो इंशाल्लाह ताला हम भी किसी रोज आपके घर आ जाएंगे जी। जी अच्छा जी, बिल्कुल बेहतर। अच्छा मैं पूछ सकती हूँ आपकी अपनी रहाइश कहाँ है? देखिए रहते तो वैसे हम गुलशन इकबाल में हैं, लेकिन 2-2.5 साल पहले हमारे शौहर बीमार पड़ गए थे तो हमको यहाँ अपनी बेटी रुमाना के घर के पास शिफ्ट होना पड़ा। उनकी मदद की जरूरत थी ना, और हमारी बेटी रुमाना हमारे दामाद ने बहुत ख्याल रखा। अब ठीक है आपके हस्बैंड? जी नहीं, उनका तो उसी बीमारी में इंतकाल हो गया। ओहो, इन्नल्लाहि राजिऊ। अच्छा आपकी बड़ी बेटी कहाँ रहती है? जी वो गुलशन हदीद में रहती है, उनके शौहर स्टील मिल्स में मुलाजिम है। गुलशन हदीद तो काफी दूर है। जी हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी की वजह से शिफ्ट होना पड़ा था। इंशाल्लाह ताला हमारी बेटी की शादी हो जाएगी ना तो हम वही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा जी ठीक, ओके जी, खुदा हाफिज। तुम्हारी किसी नेकी ही का फल दिया है अल्लाह ने तुम्हें। अब्बा जी मैं तो लम्बे की बहुत गुनाहगार बंदी हूँ। हाँ ये आपकी दुआओं का नतीजा हो सकता है कि अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया है। फरमान बता रहे बेटा, थोड़ी सी चीनी तो ला दो। माँ कैसे, आप डायबिटिक हैं, आप चीनी नहीं ले सकती, वैसे आपकी शुगर लेवल इतनी ज्यादा 230 पर है, समझाएं इनको आप। एक तो मैं तुम्हारी डॉक्टरी से तंग आई हूँ, चलो फीकी चाय पी लेती हूँ। नहीं तो पीनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं आपके पास। यस से गया था हम तेरे घर। सब मेरे घर वालों ने इनकार तो नहीं किया, मगर हमारा एक्साइटमेंट का तो खाना खराब कर दिया ना। अब ये एक्साइटमेंट का खाना खराब कैसे होता है सर? जो तेरे घर वालों ने हमारे साथ किया। सर इसमें नाराज होने की तो कोई बात नहीं है, आपके बेटे को देखना उनसे मिलना मेरे घर वालों का ही नहीं मेरा भी तो जायज हक है ना। ओ यारा, दुनिया में बहुत सारा काम एक दूसरे पर एतबार की वजह से भी तो होता है। अगर मंसूर इधर नहीं था तो क्या हुआ? हम तो था, हमारे घर वाले था, एतबार करना था। क्या हम तेरे को शक्ल से कोई धोखेबाज लगता है? सर हमारा अपना भी बेटी है, हम तेरे को अपने बेटी की तरह समझता है। मगर एक बात हमारा याद रखना, तुम्हारे घर वालों को आदमी का पहचान नहीं है। अच्छा चल अब नाराजगी खत्म करें। यार तेरे से नाराज होके हम क्या करेगा? तो फिर आपने मुझे चाय वाय को क्यों नहीं पूछा अभी तक? अभी मुहूर्त है। आप जैसी
क्वालिफाइड लड़कियों की तो हमें बेहद ज़रूरत रहती है। एक बात समझ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी का नुमाइंदा होना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप अपने सामने वाले को कायल कर सकते हैं, उसके दिल और दिमाग को इस हद तक मुतासर करें, बल्कि सच पूछिए तो बस मराइज करने की सलाह रखते हैं कि वो किसी मामूल की तरह वही करे जो उसका आमिल चाहता है। यस मैम, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके ओके, आई विश यू आर द बेस्ट। एक बात और याद रखिएगा मिस फिजा, कि ये काम, ये प्रोफेशन सिर्फ चैलेंजिंग ही नहीं बल्कि रिवॉर्डिंग भी होता है। आज से 21 साल कबल जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो क्या था मेरे पास? इस हाथ में बीए की सिर्फ एक डिग्री, मगर आज आज मेरे पास गाड़ी है, घर है, और एक मजे की बात बताऊं, मुझे मेरे जीवन साथी भी यही मिला। मेरे हस्बैंड भी एरिया मैनेजर हैं। Woof man, that's very good. Thank you so much. मैडम अभी 2 घंटे डील्स अब बाकी हैं। Okay, ठीक है। ये ले अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत से ज्यादा तो मुझे तुम्हारी और अल्फा की बहुत फिक्र है। बेटा, तुमने मेरी बात ना मानकर मुझे बहुत नाखुश किया है। अम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं जब मैं अपने फैसले पे मुतमईन हूं तो? क्या करूं, माँ हूं ना, दिल नहीं मानता, हर वक्त इस दुश्मन में लगी रहती हूँ कि तुम्हारा और अल्फा का होगा क्या। मेरी फिक्र तो आप दिल से निकाल ही दी। आपा, कोई इरफाना नाम की खातून आपसे मिलने आई है, आपकी दोस्त इफ्फत के हवाले से, मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया उन्हें। अरे अम्मी, ये वही डॉक्टर आफताब की बहन है, उनके साथ कोई और भी आया है क्या? एक तो वो खुद है और दूसरे कोई 12-13 साल का लड़का है उनके साथ। अच्छा, आफी का है? वो तो वॉक पे गई है। ओह माय गॉड, अब उसको पैदल आने में बहुत देर लगेगी। अब अम्मी आप ऐसा करें, आप जाके उनके साथ बैठे, मैं आफी को लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं अपनी सास को बता के नहीं आई, मार्केट का कह के घर से निकली थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, आपके भाई जो हैं वो कौन से अस्पताल में काम करते हैं? यूनिवर्सिटी रोड पर प्राइवेट हॉस्पिटल है, सुबह से शाम तक तो वहाँ होते हैं, लेकिन शाम को गुलशन के घर पर एक कमरे में क्लिनिक खोला हुआ है। चाय लीजिएगा। अरे, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, चाय का वक्त था। आप अगर ढूंढने में बहुत टाइम लगा, अगर आप उनसे मिलवा दें तो। बेटा जी। अच्छा जी, ये भाई हैं आपके, वो बड़े हैं छोटे? बाजी से तो छोटे हैं, लेकिन हम दो बहनों से बड़े हैं। और कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। अब भाई की बारी थी, हमने कहा कोई भी अच्छी लड़की मिलेगी इंशाल्लाह अब उसकी शादी कर देंगे। ये मेरी बेटी अल्फा। थैंक यू। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। आइए यहाँ बैठिए। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। कहाँ जॉब करती हैं? जी मैं एक न्यूज़ चैनल पे जॉब करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगी मुझे, आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? जी बस किताबें। Thank you.
اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی کیا ہو گیا ہے؟ جس گھر میں لڑکیاں آتی ہیں وہاں رشتے ہوتے ہیں. کوئی طریقہ جب تو زیادہ مرا کیا. کوئی بات نہیں بیٹا, غصہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ پریڈ کراتی رہتی ہیں آپ مجھے. کیا پریڈ؟ ارے امی, آپ لڑکی دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی. خوش شکل, اسمارٹ اور ایکٹیو ہیں بہت. اور آپ کو پتہ ہے ان کو ڈرائیو بھی آتی ہے. جی مجھے بہت دیر ہو رہی تھی نا, تو کہنے لگی چلے میں آپ کو ٹیکسی اسٹینڈ تک چھوڑ دوں. اور پھر انہوں نے تیار ہونے میں دیر بھی نہیں لگائی, پانچ منٹ میں تیار ہو کے آ گئی. بھائی ارفانا, ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ تم بھی اس سے مل کر آ گئی. رومانہ ہمیں بتا رہی تھی کہ بہت ہی ایکٹیو لڑکی ہے. ہم تو بیٹا بس یہ کہتے ہیں کہ آفتاب کو پسند آ جائے تب بات ہے نا. بھائی جان کی پسند, بھائی جان کی پسند کا اندازہ ہے مجھے. انہیں بہت پسند آئیں گی, وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں. بس آپ جلدی سے مسئلہ گری ڈالیں. لو بیٹا, یہ کیسی بات کی؟ ہمیں تو بہت جلدی ہے, ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے. اور اب تو میری سسرال والی بھی مذاق اڑانے لگے ہیں کہ اتنے عرصے سے لڑکیاں دیکھتی پھر رہے اور انہیں کوئی لڑکی نہیں پسند آ رہی. تو بھائی نہیں, تم اپنے سسرال والوں کی بات چھوڑو, ان کا تذکرہ ہمارے سامنے مت کیا کرو. تمہاری ساس ہے, ارے سارا وقت فون پر ٹکی بیٹھ رہتی ہیں ایسے جیسے خزانے پہ سانپ بیٹھا ہوتا ہے. اوکے اللہ حافظ. جا رہے ہیں. خواب دیکھا کرتی تھی میں اس گھر میں تمہارے بچوں کی آوازیں سننے کے لیے. آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے آج ڈینٹسٹ کے ساتھ؟ ہاں یاد ہے, سناٹوں میں ڈوبا رہتا ہے یہ گھر. شادیاں تم کہہ رہی تھی نا کہ شاپنگ وغیرہ کرنی ہے کچھ, تو آج واپسی پہ بازار سے بھی ہوتے ہیں, ٹائم ہے آج ہے نا. اچھا ہم چلتے ہیں, ٹھیک ہے, خدا حافظ. جاؤ بیٹا, میری دل کی لگی کون جانے. نے بتایا کہ لڑکی بڑی پیاری ہے اور گھر والے بھی بہت اچھے ہیں. سچ؟ تو پھر تو امی ہمیں ایک آدھے روز میں ان کے گھر جانا چاہیے. میرے خیال ہے اتوار کے دن چلتے. اتوار کو؟ کل ہفتہ ہے, پرسوں اتوار ہے. کل چلے نا, کل کیوں نہیں چلتے؟ ارے تمہارا بھائی جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہے, اور ہماری گاڑی تو اسی کے دم سے چلتی ہے. لیکن یہ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے آپ دونوں کی بہت فکر رہتی ہے. یہ امی کی فکر تو سمجھ میں آتی ہے, میری کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی شادی میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے. چل ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے یہ بیٹا, پہلے یہ خیال تھا کہ بہنوں کی شادی ہو جائے, اس سے فارغ ہو جائیں. وہ شادی ہو گئی, اب اس کے بعد باپ کی بیماری کا مسئلہ پیدا ہو گیا, اور اب ان کی اپنی سوئی اٹکی ہوئی ہے امی. اور نہیں تو کیا, کوئی لڑکی ہے کہ پسند ہی نہیں آتی ہے. لیکن ایک بات میں اچھی طرح بتا دوں, اس دفعہ میرے جانے سے پہلے آپ کوئی دھماکہ کر ہی ڈالے. جی اچھا ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. نہیں نہیں دیکھتے دیکھتے کوئی نہیں, پلیز بھائی جان آپ کو میری قسم, میں پاہر بھائی. سر اس کا حال دیکھیں. میں صحیح تو کہہ رہی ہوں. اچھا بچہ آپ بیٹھے امی میں پانی لے گیا. اچھا اچھا آج تو لگ رہا ہے بڑی مزے کی چیز بنائی ہے. ہاں ہاں ابھی اما کے ہاتھ کی کھاؤ, بعد میں کھانا اپنی بیگم کے ہاتھ کی. یہ لیجیے جی. کبھی کسی لڑکے کو بھی اس طرح لڑکی والوں کے سامنے کیٹ واک کرائی جاتی ہے؟
आप लोग किसी लड़के वाले के घर जाके इस तरह उसकी हड्डी बोटी चेक करें ना तो मैं मानू। आप ऐसे बताइए कि लड़का बेचारा तो खुद लड़की के घर कैट पॉक करता करता आ जाता है। मिल ली उन्होंने उनसे एक दफा, बस काफी। भाई तुम सिर्फ एक बहन से मिली थी, वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए। अब उनकी वालदा, बाकी दोनों बहनें और लड़का तुमसे मिलना चाहते हैं। बस मेरी तस्वीर दिखा दे। हाँ, ये क्या बात हुई? तस्वीर पर वकार नहीं माने थे मंजूर साहब के बेटे के लिए। थोड़ी देर की तो बात होगी। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठना और फिर उठ के आ जाना। अब भाभी थोड़ी देर की बात, तो ये मुसीबत है लड़की होना भी, कसम से। हो सकता है लड़का होना उससे बड़ी मुसीबत हो। तो क्या करूं फिर मैं, फिल्मी हीरोइन की तरह गाने गाऊं? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई गाना गाना पड़े तो तुम कौन सा गाना गाओगे? पापा आपको भी सारे मजाक आ रही सोच रहे हैं। हाँ उनके खुद पे जो नहीं पड़ी इसलिए। मैं जो हूँ तुम्हें मेरी जान की पसंद, तो बिल्कुल इनकार नहीं करोगी। और खबरदार किसी ने कहा कि ये बनाओ वो बनाओ, कोई जरूरत नहीं है लंबा दस्तरखान बिछाने। अच्छा कुछ नहीं बना रहा हूँ बस, ठीक है हम सब कुछ रेडीमेड मंगवा लेंगे। मंगाएंगे जरूर, मगर ठूस नहीं तो आते हैं सारे लड़के बने। ये नहीं मानने वाली। शबाना तेरे हाथों में बड़ा सुकून मिलता है। सब हमारा अम्मा जिंदा था ना, हम उसका कंधा भी यूं ही दबाता था, वो हमको बहुत दुआएं देता था। अच्छा सुन, तूने अपने भाई को खत लिखा था, जवाब आया उसका? हमको बेगम साहिबा ने तनख्वाह दिया है, हम सोच रहा था हम पैसा भेजेगा, मगर हमको हिया नहीं मालूम कि यहाँ से पैसा कहाँ से भेजते हैं। ओहो भाई नासिर को साथ ले जाना, वो सब मालूम कर लेगा। हाँ हिया सही रहेगा। हम अपने बेटे की जितनी भी तारीफ करें कम है, माशाल्लाह से शरीफ सादतमंद इंतहा खिदमत गुजार है। अपने बाप की बीमारी के दौरान इन्होंने अपनी मुलाजमत तक लेने के साथ साथ दिन रात खिदमत की है उनकी। माशाल्लाह जीते रहो बेटा। भाईजान हम सबको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। ये हमारी साली हैं नगमाना, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आजकल अमेरिका से आई हुई हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, ये हमारी वही बहन है। इनके हस्बैंड लॉटरी वीजा पर अमेरिका गए थे। माशाल्लाह इनके कई फ्लैट और मकान हैं, प्रॉपर्टी का बड़ा शौक है इन्हें। शौक क्या, कारोबार है। और वैसे भी प्रॉपर्टी का कारोबार कहीं भी किया जाए उसमें बहुत पैसा मिल जाता है। आप भाईजान को भी बोलने का मौका दे दें। जी बिल्कुल। मैं बोलने से ज्यादा सुनने पर तवज्जो देता हूँ। ये है मेरी बेटी यार। माशाल्लाह। खाने भी नहीं दिया था मुझे तो आप लोगों ने, इतने जालिम लोग हो तुम।
और खाओ, सब तुम्हारे लिए मंगवाया। मेरे लिए नहीं मंगवाया था, उसके लिए मंगवाया था। अच्छा ये तो बताओ क्या क्या बातें हुई उनसे? ओहो भाभी, एज इफ आप सुन नहीं रही थी। अरे कहाँ ना यार, सब इतना बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, और तुमसे सुनने का तो मजा ही कुछ और है। तो मुझे समझ में नहीं आता लोग इतनी बातें कैसे कर लेते हैं। मैं बताऊँ, 5 मार्क्स खा के मुझे लगता है अगर मुझे इतना बोलना पड़े ना तो मेरा मुंह दुख जाएगा। अच्छा चलो ना, आप मेरी बात को टालो मत, जल्दी से बताओ। भाभी क्या बताऊँ, वही जो उससे बातें हो रही थी। जॉब 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 जॉब, उनकी सारी बातें मेरी जॉब से शुरू होकर मेरी जॉब पर ही खत्म हो गई। मेरी जॉब कैसी है, किस ग्रेड की है, इसमें आगे तरक्की के क्या चांसेस हैं, टेम्पररी है कि परमानेंट है, इसके अगेंस्ट हम कितने तक का मकान किराए पे ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, ये भी पूछा था। मुझे तो लग रहा था मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी उनको मेरी जॉब में है। पहली मुलाकात थी ना, वो और किस मौजू पे बात करते भला? खैर आपा, मौजू तो बहुत थे। मसलन? मसलन मेरी तालीम, मेरे मशागिल, मेरी दिलचस्पियाँ, किताबें, खेल, हालात हाजरा, सियासत, मौसम। अरे भाई और कुछ नहीं तो टीवी के प्रोग्राम से बात कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, आपका ये शौक भी पूरा हो जाएगा। परसों उनके घर जा रहे हैं ना, इनवाइट करके गए हमें। फिर अपनी अमेरिका वाली बहन की वजह से काफी जल्दी में लगते हैं। खैर मौसूफ आपको चोरी चोरी देख रहे थे। खैर चोरी की तो कोई जरूरत नहीं थी, काफी एक्सपर्ट लग रहे थे मुझे तो। है? तुम्हें कैसे पता चला? जैसे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था ना भाभी, लग रहा था ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू वो पहले भी ले चुके हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हारे आने से पहले तो वो बहुत चुप बैठे थे, इतना खामोश बैठे थे कि मुझे उन्हें बोलना पड़ा था। कह रहे भाई कुछ तो बोलिए। बहरहाल जो कुछ हो, लड़का है अच्छा। लड़का? हेलो 40+। और हेलो, आप 30 साल की होने वाली है। सवाल ये पैदा होता है कि मौसूफ अभी तक कमारे क्यों है? जाहिर सी बात है, तुम्हारे इंतजार में। क्या मतलब? भाई वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमान पे बनते हैं, और ऊपर वाले ने अगर तुम्हें उसके नाम लिख दिया तो वो बेचारा और कहीं कैसे जा सकता था। मुझे उसके नाम लिख दिया है, मैं उसकी गाड़ी हूँ। नहीं कुछ भी हो, डॉक्टर साहब हैं हैंडसम, और हम सबको तो उनके घर वाले और वो बहुत पसंद है। हाँ जी, बस क्या करें, हमारे घर वालों को तो सारी दुनिया अपने जैसी नजर आती है, उजली। मेरी जान, आप ही हम लोगों में से ही हैं। नहीं आपा, मैं ऐसे आनन फानन किसी पे फरीफ्ता नहीं हो जाती। मंजूर साहब कहते हैं तुम्हारे घर वालों को लोगों की पहचान नहीं है। उन्हें राज़ निकाह किसने दिया है? शायद आपके इनकार में। हाय अल्लाह, देखा आपा आपने, हमारी लड़की को हमारे खिलाफ कर दिया। मक्कार, बड़े मतलब परस्त होते हैं ऐसे लोग। मंजूर साहब ऐसे नहीं है भाभी। अच्छा तो फिर कैसे है वो? बहुत ही मुखलिस और खरे। तो भाई ठीक है, तो फिर हम उनका नाम मंजूर खान की जगह मुखलिस खान रख देते हैं, ठीक है? नहीं भाभी, ठीक नहीं है। अच्छा तो भाई जान, अब सच सच बताइएगा कैसे लगे वो लोग आपको? बस ठीक है। और लड़की? लड़की भी मुनासिब है। हाँ? मुनासिब? हाँ? बस मुनासिब तो और क्या कहूँ। अल्लाह खुदा का खौफ कीजिए भैया, देख तो रहे थे आप उसको बड़ी मीठी मीठी नजरों से। भाई नहीं तो नहीं। अल्लाह बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। ओके मुझे क्या जरूरत है बेईमानी करने की? अरे छोड़ो बेटा, मैं आपको देख रही थी जब वो लड़की अपनी बहन और भाभी से ड्राइंग रूम में आई ना, तो मैंने देखा था इनकी तरफ कनेक्ट से बड़ी मीठी सी चमक नजर आई। अम्मी बस बस बस, रहने दो बच्चे। नो नो, अब आप पकड़े जा चुके हैं, चारों तरफ से घेरे में लिए जा चुके हैं। लिए जा चुका हूँ तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? फिर आप ओके कर दें। मैं कोई इनकार तो नहीं कर रहा।
अच्छा अच्छा ओके अच्छा बात सुने बात ज्यादा जल्दी करने की जरूरत है। कैसी बात कर रहे बच्चा, देखो तुम्हारी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि लड़की अच्छी प्यारी है और ऐसी लड़कियों के रिश्ते की कमी नहीं होती, और तुम ऐसे ही बैठे रह जाओगे खामा खामे। बस बस बहुत हो गया भाईजान, अब जरूरत से ज्यादा ना वो अपना सोच विचार ना करे, हर वक्त सोचते रहते, बस बहुत हो गया। और सुनो, मंगल के दिन बुलाया हमने उनको यहाँ पर, तुम जरा जल्दी आ जाना घर। लेकिन मंगल ना बुलाए ना, इतवार को बुलाए। कैसी बातें कर रहे हैं, इसको क्या अमेरिका वापस नहीं जाना है क्या? एक तो इसने फट्टा डाला हुआ है हर जगह। इससे बड़ी रौनक है घर के अंदर अल्लाह के साथ। मैंने तो अपने भाई की शादी पे वो गाना है, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी अभी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, कैसे हो? क्या हुआ आप? कुछ नहीं, बस जरा थक गई हूँ। क्यों थकी हैं? मना किया ना मैंने आपको काम करने से? अरे बेटा, घर का काम तो करना ही होता है ना। क्यों, क्यों नहीं बात मानती हैं आप? मैं तुम्हारा चेहरा देखने बगैर कहीं नहीं जाती।